हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो ऑप्ट आउट स्टूडेंट्स को मैंने बता दिया था कि आपको वेट करना है, ठीक है, इंस्टीट्यूट का। बट काफ़ी बच्चों ने तरीका ढूंढ लिया है और मैंने भी देख लिया है, और यस, उसमें मॉड्यूल एडिशन का ऑप्शन दिया गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है सर आपको, कैसे ऑप्ट आउट स्टूडेंट्स जिन्होंने सिंगल मॉड्यूल ऑप्ट आउट किया था उनको अब मॉड्यूल ऐड करना है। ठीक है, करना हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि हमको मॉड्यूल ऐड करना है। मॉड्यूल ऐड कौन कर सकता है, जिसने ऑलरेडी एक ग्रुप का फॉर्म भरा था और उसने एक ग्रुप का फॉर्म अगर कैरी फॉरवर्ड किया था, बोथ का भरा था, बोथ कैरी फॉरवर्ड किया था, तो उनको तो कोई चेंज करना नहीं है, वो मॉड्यूल ऐड कैसे करेंगे। तो मॉड्यूल एडिशन किस पे अप्लाई होता है, जिन्होंने सिंगल मॉड्यूल ही ऑप्ट आउट किया था और अब उसको दूसरा सब्जेक्ट भी देना है, दूसरा सब्जेक्ट भी आपको ऐड करना है और आपको बोथ मॉड्यूल के लिए अप्लाई होना है। तो इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए प्रोसीजर एप्लीकेबल है। तो आपको नंबर वन स्टेप है, लॉगिन करना है स्मैश पोर्टल में। आई होप आपको पता ही होगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड भी आपके पास होगा ही। उसमें आपको जाना है मॉड्यूल ऑप्शन पे। ऊपर जो बुलेट्स होते हैं, जो मेन ऑप्शंस होते हैं, उसमें सबसे बड़ा ऑप्शन आता है मॉड्यूल। उसको आप जस्ट क्लिक करो या उस पर आप कर्सर रखोगे तो ड्रॉप डाउन खुलेगा। ड्रॉप डाउन में आपको सिलेक्ट करना है एनरोलमेंट। फिर एनरोलमेंट पे जब आप क्लिक या कर्सर रखोगे तो एक और ड्रॉप डाउन खुलेगा, उसमें आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है एग्जामिनेशन एनरोलमेंट रिक्वेस्ट। उसमें आपको सेलेक्ट करना है एग्जामिनेशन एनरोलमेंट रिक्वेस्ट, और फिर जब आप उसको क्लिक करोगे तो नया विंडो खुलेगा। उस विंडो में आपको दिखेगा कि आपका जो ऑप्ट आउट वाला जो फॉर्म है वो कैरी फॉरवर्ड हो चुका है, एंड दिस इज द कन्फर्मेशन। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं ना, हम कैसे देखें, तो ये एक तरीका है, आप देख सकते हो। आप जब एग्जाम एनरोलमेंट रिक्वेस्ट में जाओगे आपको फॉर्म ऑलरेडी दिखेगा, जो आपने ऑप्ट आउट करके कैरी फॉरवर्ड किया था, दैट फॉर्म इज विजिबल। फिर उसमें सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो फॉर्म की पूरी डिटेल्स है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको टिक करना है, पहले फॉर्म को टिक करके सिलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर आपको उसके नीचे तीन ऑप्शन होते हैं, तीन ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको उसका जो थर्ड ऑप्शन है अप्लाई फॉर एनरोलमेंट सर्विस, आपको इस ऑप्शन में जाना है। अगर आप नीचे जो पहला ऑप्शन है ऐड या कुछ ऐड एनरोलमेंट रिक्वेस्ट करके ऑप्शन है, उसमें जाओगे तो विंडो ओपन होगा, पर उसमें मॉड्यूल एडिशन आप क्लिक नहीं कर सकते, वो इनएक्टिव है, और वहां लिखा हुआ है कि यू हैव अप्लाइड फॉर द अटेम्प्ट, ऐसा करके लिख के आएगा। तो मैं उसी ऑप्शन को काफी समय से देख रहा था और इसलिए मैं आपको बता रहा था कि वेट करो, बट उसका जो थर्ड ऑप्शन है वो एक्टिव है, वो उससे आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो ऑप्शन का नाम है अप्लाई फॉर एनरोलमेंट सर्विस। तो पहले फॉर्म को सिलेक्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में टिक करने का ऑप्शन है, तो टिक करके फिर अप्लाई फॉर एनरोलमेंट सर्विस आपको क्लिक करना है। फिर विंडो ओपन होगी और उसमें ऊपर ऑप्शन होंगे, और उसमें पहला ऑप्शन होगा एडिशन ऑफ मॉड्यूल, तो आपको उसको सिलेक्ट करना है, और फिर नीचे फॉर्म आपको दिखेगा और जो ऐड करना है उसको आपको नीचे टिक करना है। जैसे अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल वन ऑप्ट आउट किया था, कैरी फॉरवर्ड किया था, तो मॉड्यूल वन पे ऑलरेडी टिक्ड होगा, मॉड्यूल टू अनटिक्ड होगा, वो आपको टिक करके फिर उसका फीस भरना है। सिमिलरली अगर आपने मॉड्यूल टू कैरी फॉरवर्ड किया था तो मॉड्यूल टू ऑलरेडी टिक दिखेगा, मॉड्यूल वन अनटिक्ड रहेगा, उसको आपको टिक करके फिर आपको प्रोसीड करना है। बस फिर प्रोसीड करेंगे तो आपको फीस भरनी है, ठीक है, फीस भरनी है। फीस नॉर्मली 1200 तो होती है, 250 आपको सर्विस चार्जेस भरने हैं फॉर एडिशन ऑफ मॉड्यूल, वो वैसे भी लगते हैं। अगर आपको सेंटर बदलना है, कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो वैसे भी 250 सर्विस चार्ज इज एप्लीकेबल। तो आपको 1450 पे करना है और आपका मॉड्यूल एडिशन हो जाएगा, और आपको डायरेक्टली फिर एडमिट कार्ड में पता चलेगा, एडमिट कार्ड या अगर प्रिलिमिनरी स्टेटस चेक करके फैसिलिटी इंस्टीट्यूट देते ही आया है हर अटेम्प्ट में, तो प्रिलिमिनरी स्टेटस चेक से भी आपको पता चल जाएगा, या फिर डायरेक्टली एडमिट कार्ड में भी आपको पता चल जाएगा और उससे आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है सारे ऑप्ट आउट स्टूडेंट्स को जिनको मॉड्यूल ऐड करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए, काफ़ी बच्चे परेशान हैं, काफ़ी बच्चों को मॉड्यूल ऐड करना है, डेट आगे निकलते जा रही है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मैं नॉर्मली रिक्वेस्ट ज़्यादा करता नहीं हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स जो भी ऑप्ट आउट वाले होंगे, उनसे आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो फटाफट मॉड्यूल ऐड कर ले और बेचिंता होके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है। थैंक यू सो मच।